तुम कहाँ से थे? हेलो, लेट जाएंगे टाइम, दिस इज नॉट अ टाइम, नॉट अ टाइम, नॉट दिया। तो पूरे खाली करना पड़ता है, लेकिन ये मैं सामान ले जा रहा हूँ क्योंकि कल रात को था कि स्पॉन्सर के हेलमेट पे शायद सेना ना लगाओ, अपने में ये लगा हुआ सेना था कि हम क्रॉस टॉक कर सकें। अगर सेना उनका ना भी हो पाया तो हम कुछ जुगाड़ तो हम बना लेंगे। बोट हो गया काफ़ी बड़ा, घर से ब्रेकफास्ट बनवा के लाया था, ब्रेकफास्ट चेक इन बैग में चला गया। मित्र फ्लाइट पे वो मेरे बहुत ही प्रिय मित्र थे, हमने कमांड साथ में की थी, चालू हो गया। लेकिन इस पॉइंट पे खड़े होना सबसे बड़ी बेवकूफी क्योंकि आपके सामने आ रहा है, लेकिन पूरा 360 काट के आएगा, फिर यहाँ पे खड़े रहेंगे। ये तो है मन्नत है ना? अच्छा कल बेल बेल कैसी है? अरे 3 स्टार होटल, लेकिन एक बहुत खराब काम हो गया है। दिस शू आई ब्रॉट बिकॉज ये बाइक पे राइड करते हुए अच्छा लगेगा, बट सडनली दिस स्टार्टेड गिविंग मी अ शू बाइट। इधर पे बहुत जोर से लग रहा है क्योंकि अपने सुंदर से रूम, हमारा रूम ऐसे ये वाला बुक नहीं था, मैंने रिक्वेस्ट की क्विक रूम टूर। दिस इज द एंट्रेंस की बात है कि दिस इज आल्सो द एग्जिट। ऐसे खोलेंगे तो वाओ दिस इज नाइस, द बेथिंग एरिया इज नाइस, ये हम कभी यूज नहीं करते, दिस इज द रेगुलर थिंग, ये स्नान घर, ये बॉम्बिंग एरिया। तो अच्छा पहले ऐसे करके बॉम्ब गिराएंगे, फिर बॉम्ब के ऊपर पानी डालेंगे, इसके अंदर एक आदमी को छुपा सकते हैं, हम छुपा के देंगे तो रशी छुप जाएगी इसके अंदर। ये है, ये है, बाकी बस सब इस रूम में जो भी है वो व्यू ही है। ये क्या है? ओ रेफ्रिजरेटर, क्या स्टाइल का रेफ्रिजरेटर भाई। ओ वाओ, ये है गदर व्यू, फुल फेसिंग सी व्यू, और उधर है मन्नत जहाँ भीड़ लगी हुई, एक बार जाते दोबारा देखेंगे। कि मन्नत और सारे की बात होगी तो मुझे श्योर है कुछ लोग बोलेंगे भाई आपका ओपिनियन क्या है। मेरा ओपिनियन वही है कि भाई कोर्ट इज द बेस्ट जज, इसलिए इसको जज बोलते हैं। तो कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स होते हैं, हमारे सामने बिल्कुल फैक्ट नहीं होते, हमारे सामने वही फैक्ट्स होते हैं जो मीडिया में दिखाना चाहती है, जो कि हाफ बेक्ड फैक्ट्स होते हैं। क्योंकि मैंने कल भी पेगासस वाला ऑर्डर पढ़ा था जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसमें जो ऑर्डर में लिखा है मीडिया में बिल्कुल अलग ही चीजों पे बात चल रही है, जो मेन इशू से बात नहीं चल रही। तो आई थिंक जब जज को लगा कि बेल नहीं देनी चाहिए तो उसने नहीं दी, जब उसके पास प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर दलील आए होंगी तब उसने दे दी होगी। तो आई थिंक हमें जो जज कह रहा है मान के चलना चाहिए कि भाई ही इज द बेस्ट पर्सन टू मेक अ जजमेंट, और उसने जो दिया वो सही दिया होगा। जब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर जज से गलती हो जाए, हाँ ऐसा होता है तो हायरार्की है, अगर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज से गलती हो जाए तो उसमें भी है, लेकिन फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डेमोक्रेसी में द बक स्टॉप्स एट द जुडिशरी। राइटिंग कर रहे हैं और क्या क्या चीजें रख दी, इनको खोलो ही ना। मिला था वर्कआउट के लिए लेकिन अनपता यही पहनने पड़े, बाइक राइड पे गवर्नमेंट धोखा दे दिया। और भाई कितना गंदा वो वाला दिखाया नहीं आपको मैंने, ये देखो खाल निकल आई भाई, ये देखो। I'm trying to put this cotton in the shoe ताकि शू बाइट ना हो। सुपर डुपर से भी ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं, बिकॉज अच्छा आपको बताया ना जॉन सर के साथ एक वर्कआउट भी कर रहे हैं, वर्कआउट का वीडियो मेरे फिट मसल टीवी पे आएगा और बाइक वाला मोटर व्लॉगिंग यहाँ पे करेंगे। भाई साहब जिस मूवी देखने गए थे स्कूल टाइम में, मतलब देखने कुछ और गए थे लेकिन प्यार जॉन सर के जिस्म से हो गया था। ओह यार आवारापन बंजारापन, क्या गाना था। जॉन सर के ऑफिस, आई थिंक इनका प्रोडक्शन वाला हाउस वाला ऑफिस है, तो उनके भी ऑफिस जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है थोड़ा आगे थोड़ा आगे, हाँ ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, और मैं इतना ज्यादा नर्वस आ रहा हूँ कि मुझे लग रहा है मैं क्या ही बात करूंगा सर से, मतलब जैसे नहीं था कि गाइस गो ऑन फर्स्ट डेट, शायद गाइस गो ऑन फर्स्ट डेट, हम क्या ही बात करेंगे। तो हम लोग अभी आ चुके हैं जॉन सर के ऑफिस के बाहर। हाय 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 हाय, लीन मार्केटिंग, ओके फॉर एमए एंटरटेनमेंट, कब सत्य में जाते जा, कम कम जॉन इज वेटिंग फॉर यू, कम। अच्छा यहीं पे वो काम करते हैं? हाय सर, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लग रहा आपसे मिलके। बहुत गुड, सो गुड टू सी, हैप्पी टू सी गौरव, थैंक यू सो मच। हाउ इज रितु? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। राशी? बहुत सब बढ़िया। खुशी? बढ़िया। कांग्रेचुलेशंस, आई एम जस्ट सीइंग योर वैस्कुलर। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। यकीन नहीं आपसे मिल रहा हूँ, मतलब जब आपकी फिल्म आई थी जिसम कॉलेज या स्कूल में थे शायद, बट मतलब हम देखने गए थे कुछ और, लेकिन लोगों ने आपका जिसम देखा था। पहली फिल्म 2003 में, 2003, हाँ तो जस्ट 12th ग्रेजुएट हुए थे। फ्लैप 3 और फुल फ्लैप के बारे में
जो मुझे बहुत पसंद आया वो वीडियो, और मैं डर गया क्योंकि दैट वाज लाइक अ फिल्म ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो तुम बैठे थे बिफोर खुशी वाज बॉर्न, जो लास्ट वाला हुआ, और यू वर सो टेंस्ड और वो टेंशन में, और जब खुशी रोने लगी यू स्टार्टेड क्राइंग. वो सर अपने आप ही निकल आते हैं, मतलब आईआईटी ग्रेजुएट भी हो और अभी लॉ भी कर रहे हो एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियन सर आपके सामने. हमारे जिम में सर फोर्स ही चलती थी, फोर्स देख के वर्कआउट. लेकिन वो जो डेफिनेशन है वो कायम है, वो ठीक है. लेग्स है जो हमारे इंडस्ट्री में, हमेशा बोलता हूँ कि हमारी जो अपर बॉडीज होती है बहुत अच्छी होती है, बट वेरी फ्यू ऑफ अस वर्कआउट ऑन द लेग. यहाँ पे विकी डोनर, मद्रास कैफे, परमानु हाउस, सब यहीं पे हुआ था. उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था. दिस इज फायर इन डिफेंस ऑफ इंडिया एंड कारगिल इन 1999. आई एम इन लव विद, मोर देन इन लव विद इंडिया. इन माय हाउस, मेरे घर के अंदर, वार्डरोब के अंदर, आई हैव द इंडियन फ्लैग. सो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जॉन सर ने काफ़ी कुछ जान लिया अपने बारे में, मतलब चैनल वैनल के बारे में बहुत कुछ इन्होंने देख लिया. सो फील सो ग्रेट. My babies, मेरे सारे बच्चे. तो अपनी सारी बाइक्स आप ऑफिस में रखते हैं? घर पे? घर पे सारे ऑफिस में रखता हूँ. घर पे मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ और वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड पार्किंग है. ओ अच्छा, पार्किंग. और वहाँ पे नेबर्स को काफी देर ओके, लेकिन शायद बाइक का शौक मतलब शुरू से था. शुरू से था. आई लव मोटरसाइकिल्स. तो आपने भी कहा था कि पापा ने आपको बोला कभी ऐसा कि बेटा 12th पास कर ले फिर दिलाऊंगा बाइक पहले, कुछ ऐसा हुआ? पापा और मम्मी दोनों ने कहा मुझे कि पढ़ाई करना बेटा. हाँ. पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लाइफ में. और मैंने कहा नहीं यार, ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बट आई स्टडीड स्टडीड. तो मैंने BA ऑनर्स किया. उसके बाद मैंने MBA करा. आई स्टूड 7th इन यूनिवर्सिटी. उसके बाद मैं काम पे लग गया. मेरा जो पहला जॉब था वो 6,500 rupees a month का. उसके बाद मुझे एक रेज मिला 13,500 rupees. उसके बाद 99 में एक मॉडलिंग कॉम्पिटिशन था, ग्लैड रैग्स. बाई चांस में फ्रॉम देयर वी ऑल नो योर जर्नी. I love motorcycles, so I feel clear. Like racing bikes, वो cruiser वाली आपने चलाते? Cruiser वाली एक ही है मेरे पास. अच्छा. Yamaha VMAX. Okay, okay. I'll take you outside. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. We can see it outside. But this is my office. थोड़े बहुत helmets यहाँ पे रखता हूँ मैं, और सारे helmets actually घर पे है. तो जैसे लोग कपड़े पहनते हैं ना बाहर जाने के लिए. हाँ हाँ हाँ. मेरे पास helmets है. सर आप एक इसमें कैमरा GoPro लगा के मोटर व्लॉगिंग करो ना. 100%. तो यू मोस्टली यू स्पेंड योर टाइम हियर? This is a Gaurav Taneja motorcycle. अरे नहीं नहीं, ये तो मैं कभी उठा भी ना पाऊँ, इतनी भारी है. This is like your kind of. I'm planning to buy one bike. Yeah? No, I've never owned a bike. मतलब मैं जब 12th में था तो मैंने कहा पापा से, पापा दिला दो. कहते बेटा अच्छे ना 80% ले, 80% दिला दूंगा, फिर हो गया 80%. IIT खड़गपुर. हाँ फिर पापा ने कहा कि IIT निकाले फिर दिला दूंगा. फिर IIT में के लिए खड़गपुर जाना पड़ा. कहता खड़गपुर में क्या करेगा, वापस आ जाता तब दिलाऊंगा. फिर वापस आके पायलट बन गया. कहता तो तू जहाज चलाता अब क्या करेगा बाइक का. ना मतलब जैसे मैंने बोला कि आपको गिवन दिस लॉ एग्जाम, तो अगर मेरा हुआ था कॉलेज में तो प्लान है कि मैं फिर बाइक से कॉलेज जाऊंगा. अरे सर, सो दिस इज अ 60th एनिवर्सरी स्पेशल Yamaha VMAX. ये 1700cc की बाइक है. ओह बहुत ही स्पेशल है. इट्स अ वी इंजन. तो कार का इंजन से भी भारी है. बहुत ही पावरफुल है ये मोटरसाइकिल. बहुत ही टॉर्क जिसे बोलते हैं ना, इसका कावासाकी निंजा ZX14 है. 1400cc की बाइक है. बहुत ही कंफर्टेबल है. जब हम राउंड पे जाएंगे आई गिव यू वन. आई विल राइड वन. बट दे देख के तो हेवी लगती है, मतलब इफ यू गेट डिसबैलेंस तो गिरती नहीं. डिसबैलेंस हो ही नहीं सकते. अच्छा. ये बहुत ही स्टेबल है. CBR 1000 RR, Aprilia RS3 4 RR,
आपका ये फायरिंग सुनना है आपको? हाँ 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 एक बार सबसे ज्यादा कौन सी बाइक आप राइड करते हैं? मुझे सारे बाइक्स पसंद है लेकिन कंफर्ट वाइज मुझे वो 1700 सीसी की बाइक बहुत अच्छी। पहली वाली येलो वाली और ये दूसरी वाली टूरिंग बाइक्स है। वैसे ट्रैफिक में इरिटेशन नहीं होता कि यार जगह ही नहीं है कहाँ चलाऊं 1400 सीसी आता है? वेरी ट्रू। क्या करेंगे, शॉक टायर्स को हम लोग शैम्पू करते हैं, यहाँ पे एसी लगाया हुआ है, इसको अंदर करके हम लोग पॉलिश करते हैं बाइक्स को, साफ। अब खुद भी करते हो सर? बाइक्स का शौक मतलब कब से फिर आपको लगा? फ्रॉम द एज ऑफ 6-7। अच्छा, मतलब उतने टाइम से मुझको डर लग रहा था, पता नहीं मतलब खरोच वरोच लग गई तो मतलब दिसंबर तक या जैन तक होपफुली इफ आई कैन स्टॉप इट। स्ट्रे डॉग्स को उन लोग मारते हैं। गौरव यू आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे कि थ्रू योर माओ भी है तुम्हारे घर में, यू नो, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू टू टेल पीपल नॉट टू बी क्रूएल। क्या फायदा, मतलब जानवर आपके साथ कुछ नहीं कर रहा है, आप खिलाना नहीं चाहते हो मत खिलाओ, नफरत करते हो नफरत करो, मारने की क्या जरूरत? करेक्ट, आई एग्री 100%। व्हाई डू यू वांट टू हिट द एनिमल? और कुत्ता कभी भौंकता है? जब आप बच्चों को, मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव ओल्ड पीपल, मैं ओल्ड एज होम्स के लिए मैं काफी कुछ करता हूँ, ऐसे ही जानवरों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई यहाँ पे नहीं है, कोई यहाँ पे नहीं है। सो आई फील ह्यूमैनिटी जो है वो अभी मार खा रही है। आई फील देयर आर पीपल लाइक यू हु आर वेरी बिग इन्फ्लुएंसर्स। आई एम अ फैन ऑफ योर्स। अरे थैंक यू सो मच। मेरे को तब से आप लग रहा है कि आप जॉन सर के सामने बैठो, आप कह रहे हो इन्फ्लुएंसर। मैं तो सीरियसली आई फील वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ यू। नो, आई सी योर चैनल, आई सी कि आप इतने अकॉम्प्लिश्ड, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग फॉर द वीडियो, आई एम टेलिंग यू, आपने आईआईटी खड़गपुर में एजुकेशन किया, इट्स सो डिफिकल्ट टू गेट इनटू आईआईटी, मतलब इट्स नॉट इजी, आई कुडंट गेट इनटू आईआईटी, इट्स डिफिकल्ट टू गेट इनटू आईआईटी। यू वन अ बॉडीबिल्डिंग कॉम्पिटिशन, यू आर अ पायलट, एंड नाउ यू आर डूइंग लॉ, यू आर स्टडीइंग लॉ, सो यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स दैट आर सो क्रेडिबल, सो आई थिंक पीपल विल लिसन टू यू व्हेन यू ऑनेस्टली टेल देम। अगर आप उनको बोलोगे कि शायद जो जॉन ने कहा है वो सही है, अगर आप खिला सको तो खिलाओ, अगर आप खिलाना भी नहीं चाहते हो मत खिलाओ, मारना मत। करेक्ट करेक्ट। और ये हंटिंग जो होता है शिकार, क्या मतलब आप कितने ब्रेव हो सकते हो? मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक देयर एनिमल लवर्स, तो ये जो हमारे लॉज है उनको चेंज करना चाहिए। जो पीसीए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1950 का कितना है वो, 50 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया क्रुएल्टी पे फाइन, 20 रुपया क्रुएल्टी पे फाइन। जस्ट टॉकिंग टू सर, तो कह रहे हैं कि मैं स्मोक नहीं करता ना, एक्चुअली आई थॉट, सॉरी बट आई थॉट यू स्मोक, बिकॉज वो जिस मूवी में इतना आपने वो सुट्टा दारू किया था कि मतलब लोग इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे कि हमारे कॉलेज जब भी पार्टी होती थी ना तो शुरू होती थी सर डांस नंबर से, जैसे देसी बॉयज हो गया, फिर बीच में अल्ताफ राजा, एंडिंग हमेशा आवारापन बंजारापन, गम वाला गाना है ना, गम वाला सर, चार पैक के बाद आवारापन बंजारापन चलता ही था, आउटस्टैंडिंग अभी भी वो गाना सर, मेरा फेवरेट गाना है करियर, मतलब मेरे करियर का फेवरेट गाना, अमेजिंग गाना आवारापन बंजारापन, अमेजिंग गाना सर, मतलब हमारे कॉलेज में ऐसे ऐसे लोग थे कि अगर आपने वो गाना चला दिया तो खंबा खत्म, खंबा खत्म। लोग मेरे सामने देसु भी गाइस कमिंग रो के आते हैं, मेरे लाइफ की स्टोरी है सर। जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं भी थी या ब्रेकअप नहीं हुआ था, वो सोचता था कि मेरी अगर गर्लफ्रेंड होती और ब्रेकअप होता तो मैं इस सॉन्ग पे ऐसे रोता कि जैसे जॉन सर ने रोया। अरे अरे जो आप शावर में आके फिर रोए हो सर नीचे करके, वो भाई बाल्टी मंगे में नहाने वाला बंदा भी शावर लगवाया उसने घर में रोने के लिए, वो बहुत अमेजिंग था वो, बहुत। हाँ तो मतलब मैं कह रहा था कि जॉन सर इज सेइंग ही नेवर स्मोक, तो आई वाज लाइक कि फिल्म्स में आप करते हो तो मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि आप करते होगे, इट्स हॉरिफिक, है ना, हॉरिफिक। जब ये फिल्म्स, मैंने एक फिल्म करी थी नो स्मोकिंग, हां नो स्मोकिंग ही था, और उसमें आई मीन उस टाइम पे वो जो फेक सिगरेट्स थे, आई डिडंट डू फेक सिगरेट्स, जो असली सिगरेट्स थे, आई यूज्ड टू स्मोक,
और जब भी मुझे पता नहीं था कि फिल्म्स में कंटिन्यूटी, मतलब एक शॉट के बाद आपको कंटिन्यू करना है शॉट, वो तो उतनी ही जारी होनी चाहिए, काट के उन लोग लगाते थे। और अगर आप जो स्मोकर है उनको पता चलेगा, व्हेन यू स्मोक दैट, जो यहाँ पे बोलते काट कभी भी नहीं चाहिए, स्मोकिंग इज द मतलब घटिया चीज है। साल में एक बार थोड़ा शैंपेन पी लेता हूँ, लेकिन आई डोंट टच अल्कोहल एट ऑल लाइफ में कभी। आप तो मैं संत आदमी है। नहीं, संत नहीं हूँ, I've just not touched. नॉनवेज नहीं खाते आप, छुट्टा नहीं, दारू नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब हमें हमेशा लगता है, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि हमेशा लगता है कि बॉलीवुड में तो चलता ही होगा, लेकिन मैं पार्टीज में भी नहीं जाता हूँ। नहीं जाते हैं? नहीं जाता हूँ, क्योंकि हमारे लोग अच्छे हैं, बुरे नहीं है, लेकिन आई डोंट गो। मैं शायद अलग किस्म का आदमी हूँ। अगर आप मुझे मोटरसाइकिल दो, मैं मोटरसाइकिल साफ करूंगा। एक्शन में मैं रोल कर सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ। 365 डेज ऑफ द ईयर मैं सब 9% हूँ। Fat percentage is sub 9%, so I'm very happy. Mm-hmm. I'm at about 7-8, so there's enough definition also. Not like you. No, my not like you. Definition. But one thing I want to confess, मुझे ऐसा लगा, मतलब मेरे को लगा कि यार मैं going to meet a Bollywood star. मैं थोड़ा सा nervous था वैसा, लेकिन पहले आते ही आपने इतना comfortable कर दिया ना. Yeah, because I never thought कि when I meet a Bollywood celebrity, मैं को मतलब मुझे भी डर ऐसा, मैं ऐसे बैठा रहूँगा और मतलब ऐसे बात करूँगा आपसे। नहीं, मुझे भी डर लगता है। I swear on you, Gaurav, मुझे भी आपको कैसे डर लगता है? क्योंकि जब भी some of them meet me, they're like, what's up, man? तो मुझे वो जो अच्छा अच्छा मतलब एक होता है कि एक एक्टर काफी बैगेज के साथ आता है, नॉट ऑल एक्टर्स, एंड यू गेट डर लगता है थोड़ा कि मैं उसके साथ उसके सामने कैसे खड़े रहूं। तो मैं भी, क्योंकि शायद मेरी अपब्रिंगिंग काफी मिडिल क्लास हुई, तो वो सोच अभी भी मेरे सर ऐसा होता है ना कि अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी थोड़ी अपब्रिंगिंग मिडिल क्लास है, फिर आप चाहे एंड में मतलब लाइफ में कितना भी आगे चले जाओ, वो रहता है आपके अंदर ना, है ना। एंड व्हेन यू मीट अ पर्सन विद सिमिलर बैकग्राउंड, आप कनेक्ट बहुत अच्छा करते हो। ये देखो ना, चप्पल, इसके आगे कुछ पहनता ही नहीं हूं मैं। दिखा ना प्लीज। वाओ, यू ऑलवेज स्टे दिस लीन? दिस ऑलवेज, सो दिस इज 24/7। आई एम अबाउट, आई वांट टू स्टे दिस लीन नाउ। सो वेफर जैसे होना चाहिए। हां, सब होना चाहिए। कार्डियो करते हो आप अभी भी? कितना कार्डियो नहीं करते? बिना कार्डियो क्या करते? विदाउट कार्डियो माय मैक्रोस आर फैंटास्टिक। तो मेरे जो मैक्रोस, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, एक बार प्लीज शेयर करो ना प्लीज। दैट्स माय प्रोड्यूसर मुनीश अडवाणी। ओके ओके, that's Manisha. Hi. I'm almost as big a fan of yours as I'm of his. Thank you so much. Means a lot. Sajab, and congratulations on your new baby. Madhula partners in. Nice to meet you, ma'am. Nikhil Advani, my director of Bartla House. Ha 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 ha. Manisha's Nikhil's sister. Okay. Yeah. And Manisha, Madhu, and Nikhil are MA Entertainment. They are a fan of his. We are in that photo. Ha. This is the. और ये हमारे सत्यमेव जयदेव के director हैं. वो कहाँ हैं? मिलाप जवेरी. So we're trying to figure out कि GoPro कैसे फिट करेंगे।